Career Kul, the educational gurukul, a startup by German and American university alumni. Coaching classes from 9 to 12 and career counseling services. Hi friends and welcome to Career Kul, the educational gurukul. We are a small firm and we try to tell you ki kitne tarah ke careers ho sakte hain aur un careers ko paane ke liye aapki personality kaisi honi chahiye. So we do a personality test, an aptitude test and an interest test, and on that basis we tell you which careers are right for you. And before moving on, do subscribe to our channel so that you get updates of all the latest career videos. And you can also give me suggestions ki agar aapko janna chahte hain to I'll do the research and analysis and make a video on that. Today we are talking about National Institute of Design. Theek hai. India mein B.Tech, doctor, lawyer, फिर IAS, CA, इसके पीछे काफी लोग पढ़े रहते हैं कि बिकॉज द थिंग दैट इज अ वेरी स्टेबल जॉब. इट इज अ स्टेबल जॉब बट सब लोग वो बन नहीं पाते एंड देर आर रिपरकशंस ऑल्सो. क्यों? क्योंकि लोग क्रिएटिव फील्ड में नहीं जाना चाहते बिकॉज उन्हें लगता है कि वहां पे हो सकता है मुझे स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़े, पैसे कम मिले. बट द रियलिटी इज कि किसी भी आप कोर्स में जाएंगे एक्चुअली आपको स्ट्रगल उतनी ही करनी पड़ती है. और अब लेकिन क्रिएटिव फील्ड में एक्चुअली स्ट्रगल थोड़ी कम हो गई है कंपेयर टू अगर आप CA बनना चाहते हैं या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप IAS बनना चाहते हैं. इंजीनियरिंग में भी अगर आप मैकेनिकल सिविल कर रहे हैं तो उसमें आप स्ट्रगल ज्यादा है कंपेयर टू एनी क्रिएटिव फील्ड लाइक लेट्स से स्टैंड अप कॉमेडी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी. ये सब में आप अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए, नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजॉन प्राइम आ गया. तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है जो पहले नहीं थी. आज हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की. ये ऐसे कोर्सेज हैं जो अब आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. जो यहां से कोर्स कर रहा है अगर वो MBA फिर मार्केटिंग में कर लेता है दे कैन मेक अ वेरी गुड करियर. अगर वो MBA फिर इसके बाद एडवर्टीजमेंट में कर लेता है अगेन दे कैन मेक अ वेरी गुड करियर. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इंडिया का टॉप डिजाइन इंस्टीट्यूट है. इसमें दो तरह के कोर्स होते हैं, एक बैचलर ऑफ डिजाइन. कोई भी चीज कैसे डिजाइन होगी केवल उसके आर्टिस्टिक क्रिएटिव एस्पेक्ट नहीं बट टेक्निकली भी कैसे डिजाइन होगी, हम कैसे उसे बनाने से पहले देख सकें, ये बी डिजाइन में सिखाया जाता है. बी डिजाइन में प्रोडक्ट डिजाइन हो सकता है कि आपका मोबाइल फोन कैसा दिखेगा, आपकी चेयर कैसी दिखेगी, आपका फॉर एग्जाम्पल कवर अगर आप मोबाइल का ले रहे हैं अगर वो ही डिजाइन करना है तो कैसा दिखेगा. तो ये प्रोडक्ट डिजाइन है. हर कंपनी में प्रोडक्ट डिजाइन होता है. इंजीनियरिंग में भी जो गाड़ियों के बाहर की डिजाइनिंग होती है वो यही लोग करते हैं, इंजन की इंजीनियर्स करते हैं. फिल्म एंड वीडियो कोई भी मूवी है, बाहुबली में जितना भी VFX का काम हुआ है वो इन्हीं तरह के लोगों ने किया होगा. या एनिमेशन है, एनिमेशन आजकल मार्केटिंग में यूज हो रहा है, अलग से मूवीज बन रही है जैसे कि एक कंपनी है पिक्सार. VFX मैं ऑलरेडी आपको एक एग्जाम्पल दे चुका हूं. IT में बहुत यूज है जैसे कि अगर आप Zomato का ऐप खोलेंगे तो उसका पूरा लेआउट, हर एक उसका लोगो, हर एक चीज, हर एक कलर जो है बी डिजाइन में सिखाया जाता है. इफ यू हैव नॉट नोटिस आपको पता होना चाहिए कि जो भी खाने से रिलेटेड की कंपनीज ज्यादातर रेड यूज करती हैं बिकॉज मार्केटिंग साइकोलॉजी में बोलते हैं कि रेड की वजह से आपको हंगर जैसी चीजें आ सकती हैं. तो ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं कैसे आप करेंगे वो यहां पर सिखाया जाता है. गेमिंग डिजाइन इज अ वेरी पॉपुलर चॉइस अमंग पीपल नाउ बिकॉज एप्स की वजह से बहुत से गेम डेवलपर्स जो हैं अपने गेम्स अपलोड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप पबजी देखें तो पबजी का जितना बैकड्रॉप का क्रिएशन होगा, उसके कैरेक्टर्स का क्रिएशन होगा, उनके चलने का तरीका होगा, ये सब कुछ एक गेम डिजाइनर का काम है. इनमें दो कोर्सेज हैं, बी डिजाइन और GDPD. GDPD इज ग्रेजुएट डिजाइन प्रोग्राम इन डिजाइन. ठीक है, ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन डिजाइन. नेट की जो फीस है वो 3 लाख पर ईयर है, 3 लाख पर ईयर है. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तकरीबन आपको मान के चलिए कि 12 लाख के करीब पैसा खर्च हो जाएगा. बट द अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस. किसी भी इंजीनियरिंग में भी आजकल 8-9 लाख से कम खर्च होता ही नहीं है. आप थोड़े से भी क्रिएटिव अगर हैं, आपकी स्केचिंग अच्छी है, दैट इज ओनली 2 थिंग्स, क्रिएटिव होना और थोड़ी स्केचिंग अच्छा होना फॉर क्लियरिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंट्रेंस टेस्ट, उसकी हम लोग अभी बात करेंगे. सीट्स इसमें केवल 125 सीट्स हैं फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम, 350 सीट्स हैं इनके एम डिजाइन में.
दूसरा ऑप्शन आपको ये मिलता है कि आपने बी डिजाइन कहीं और से कर लिया और आप एम डिजाइन यहां से करिए। देखिए, जब तक आप अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एनआईडी या तो निफ्ट या यूसीड, यूसीड जो है आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करता है, या तो फिर आप बाहर से करिए। डिजाइन में वो जो लर्निंग कर्व है वो तभी अच्छा होगा जब आप इन जगहों से कुछ पढ़ के निकलेंगे या फिर आप खुद ही बहुत ज्यादा इमेंसली टैलेंटेड हो। तो सीट्स बहुत कम है, फीस थोड़ी सी ज्यादा है। नाउ लेट अस लुक इनटू द प्लेसमेंट्स। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। बिफोर फॉरवर्डिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू नो दैट व्हेन वी आर मेकिंग न्यू वीडियोस ऑन अदर करियर्स। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप डेफिनेटली हमें बताइए। आई विल डू द एनालिसिस, द रिसर्च एंड प्रेजेंट अ वीडियो। नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में किस तरह की कंपनियां आती हैं? टाइटन, ये जो है वॉचेस की कंपनी है। तो अगर आपने टाइटन रागा का ब्रांड सुना है जो उन्होंने एक अलग से निकाला था, तो कभी भी कोई भी नया लाइन ऑफ वॉचेस निकालेंगे तो इसी तरह के लोग उसे डिजाइन करेंगे। तो टाइटन रागा इज अ वेरी स्पेसिफिक डिजाइन फॉर विमेन। तो वॉचेस में ये लोग लेके जाते हैं कि आप डिजाइन करिए। अब आप स्मार्ट वॉच आई, तो स्मार्ट वॉच का डिजाइन कैसा रहना चाहिए, क्या क्या चीजें होंगी, तो इट इज वॉचेस में क्या है, डिजाइन ही मेन है, काम तो सबका ऑलमोस्ट सेम है, तो डिजाइन यहां पे काम आता है। जोमैटो, केवल जोमैटो नहीं, ये सारी कंपनीज यहां आती हैं प्लेसमेंट के लिए, इसीलिए मैं इनके बारे में बता रहा हूं। केवल जोमैटो नहीं, कोई भी कंपनी जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, दे वुड रिक्वायर एनीवन टू डू ऑनलाइन डिजाइनिंग फॉर देम, फॉर देयर ऐप, फॉर डिफरेंट लोगोज। केवल लोगोज उनकी कंपनी का नहीं, डिफरेंट डिफरेंट हर एक स्टेप पे लोगोज उनको चाहिए होंगे, क्योंकि हर एक चीज पे कॉपीराइट होता है। टाटा, टाटा ने आप अगर देखें तो रीसेंट टाइम्स में ही अपनी पूरी गाड़ियों की जो डिजाइनिंग थी, पूरी हर चीज चेंज कर दी है। कोई टाटा इंडिका देखिए और आप अभी टाटा नेक्सॉन देखिए, तो डिजाइन में जमीन आसमान का अंतर है। और उन्होंने जो ये रीवैम्प किया है अपने डिजाइन को, यू कैन बी श्योर दैट उनमें से कोई ना कोई एनआईडी का भी स्टूडेंट होगा। सैप, सैप जो है जर्मन कंपनी है, एंड अगैन इट इज एन इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट या ईआरपी रिलेटेड कंपनी है। तो ये फिर से वही सब जो उनका ग्राफिक्स होगा, कैसे यूज होगा, जब कुछ लोडिंग हो रही होगी तो क्या आएगा स्क्रीन में, ये सब चीजें ये लोग डिजाइन करते हैं। बॉश, बॉश एर्गोनॉमिकली डिजाइन हमें चाहिए, एर्गोनॉमिक डिजाइन चाहिए, ड्रिल का हो सकता है एर्गोनॉमिक डिजाइन, मल्टीपल यूटिलिटीज हो सकती हैं, कम स्पेस में ज्यादा चीजें फिट करना है, ये सब के डिजाइन, ये सब चीजें बॉश जो है इन्हीं लोगों से कराती है, बिकॉज दिस इज द वे डिजाइनर्स विल थिंक। एडिडास शूज की है, कोई भी नया रेंज ऑफ शूज आएगा ये लोग डिजाइन करेंगे। ये बहुत बड़े मार्केट हैं जो हम लोग देख ही नहीं रहे हैं। हम लोग केवल इंजीनियरिंग का ही मार्केट देख रहे हैं या टीचिंग का मार्केट देख रहे हैं, ये सब हम देख ही नहीं रहे। मैंने अभी इसमें सबसे बड़ा मार्केट फिल्म एंड वीएफएक्स एंड एनिमेशन तो बोला ही नहीं है, ये कभी ये अपने में ही बहुत बड़े मार्केट्स हैं। प्रोडक्ट के लिए सैमसंग, टीवी अगर वो बना रहा है, वॉशिंग मशीन बना रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, उसका हर एक चीज का डिजाइन का एस्पेक्ट कि उसे हैंडलिंग कैसे ईजी हो, लुक्स कैसे इंप्रूव हो, मोबिलिटी जो है आराम से हो सके, ये सब डिजाइनिंग का पार्ट है। ट्राइडेंट एक बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने पीजी के प्लेसमेंट्स लिए थे यहां से, और सबसे बड़ी आज तक की रिपोर्टेड सैलरी इनके लिए दी है वो है 72 लाख पर एनम। ये 2004 या 2014 या 2015 में उन्होंने दी थी, एंड दे आर आई थिंक सो दे आर अपैरल कंपनीज जो कपड़े डिजाइन करती है। तो फैशन, कपड़ों के फैशन में पूरा अलग डिजाइनिंग है, और वो भी बहुत बड़ा मार्केट है। आई एम सेइंग स्ट्रगल आपको हर जगह है, बट इफ यू हैव एन इंटरेस्ट, इफ यू हैव एन एप्टीट्यूड, दिस होल्ड्स प्रॉमिस। ठीक है, एप्रल्स का मैंने इसी में बता दिया कि एप्रल्स अगेन इज अ ह्यूज मार्केट, जिसमें आप कपड़े डिजाइन करेंगे। आजकल ऑर्गेनिक क्लोदिंग आ गई है, डिफरेंट एथनिक वेयर्स आ गए हैं, तो ये सब आपको अपने आप सोचना पड़ेगा। बेबी वेयर्स अलग अलग आ गए हैं, तो दीज आर मार्केट विच यू विल हैव टू थिंक अपॉन। यूजी में जो हाइएस्ट सैलरी मिली थी वो भी 48 लाख पर एनम मिली थी। ये दोनों सैलरी एक दो बार मिली है, लेकिन जनरली पीजी में जो हाईएस्ट सैलरी होती है वो 16 लाख पर एनम होती है। मैं कह रहा हूं 3 लाख भी मिले, 4 लाख भी मिले, स्टार्टिंग सैलरी अगर आपको मिल रही है, अगर आपका काम अच्छा होगा, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप बहुत आगे चले जाएंगे। यूजी में नॉर्मली हाईएस्ट सैलरी 8 लाख पर एनम के आसपास जाती है। देयर इज नो डर्थ ऑफ जॉब्स इन दिस, थोड़ा सा आपको बस मेहनत करनी है, जान पहचान बढ़ानी है, एंड यू विल गेट जॉब्स। लास्ट में इसमें बता रहा हूँ जो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप बी डिजाइन कहीं से कर रहे हैं, इसके प्राइवेट कॉलेजेस थोड़े कम है, तो एक निड हो गया, निफ्ट हो गया, ये प्राइवेट नहीं है, बट निड, निफ्ट, आईआईटी बॉम्बे, ट्रिपल आईटी जबलपुर, और इसके कुछ पर्ल अकेडमी हो गया,
और एक दो और कॉलेज है प्राइवेट में जहाँ से आप कर सकते हैं। बी डिज़ाइन करने के बाद अगर आप MBA मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में कर ले रहे हैं एंड यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग विच हैज बीन टॉट, आपके एटलीस्ट 30-40 लाख का पैकेज विद इन 2 to 3 years हो जाएगा। क्योंकि मार्केटिंग में पूरा खेल ही प्रेजेंटेशन का है, पूरा खेल ही डिज़ाइन का है। एंड सो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टूल विच कैन बी यूज इन मार्केटिंग मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का एज ऑफ नाउ सबसे टॉप का कॉलेज जो है मिका है, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट, दैट इज इन गुजरात। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्लेसमेंट्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। विल नाउ लुक इन टू कि अगर आपको इसका एंट्रेंस देना है तो क्या क्या पूछा जाएगा एंड हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट, बिकॉज दिस ईयर दे हैव चेंज द सिलेबस एंड दे हैव चेंज द वे द एग्जाम पैटर्न फॉर NID। Career Kul, the educational gurukul, a startup by German and American university alumni. Coaching classes from 9 to 12th and career counseling services.